के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। फेसबुक पर किए गए पोस्ट को लेकर चली गोली, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को कर लाया थाने। पूछताछ के बाद पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। मंडलायुक्त ने मेडिकल कॉलेज में विभिन्न निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा, किया स्थलीय निरीक्षण, कहा बरसात पूर्व कार्यों को करें पूरा। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, महिला अपराध पर अंकुश लगाने सहित कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, निर्माण एजेंसियों पर जताई कड़ी नाराजगी, कहा समय से पूरा करें निर्माण कार्य, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिलाधिकारी ने रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन, सिटी मजिस्ट्रेट संघ किया रक्तदान, लोगों ने भी किया बढ़ चढ़ कर रक्तदान। यातायात विभाग ने काली मंदिर से गोलघर मार्ग को घोषित किया नो ऑटो रिक्शा जोन, अब बुद्धा हॉस्पिटल की तरफ से जाएगा ऑटो। एसपी ट्रैफिक ने कहा गोलघर में जाम की समस्या से मिलेगा छुटकारा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, कहा विकास कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं। अक्टूबर तक जनता के लिए खोल दिया जाएगा कौवा बाग अंडरपास, पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा प्रगति पर है कार्य। राष्ट्र सेविका समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर, अवध, काशी व गोरक्ष प्रांत क्षेत्र का 15 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न, अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका ने कहा संगठित नारी ही अपनी संतानों को संस्कारों से ओत प्रोत कराकर बदल देती है इतिहास। गोरखपुर विश्वविद्यालय की संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षाओं के आखिरी दिन आज बीए और बीएससी कृषि की प्रवेश परीक्षाएं हुई संपन्न, अभ्यर्थियों के आपत्तियों का निस्तारण होते ही इन प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम कर दिए जाएंगे घोषित। विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरख पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विश्व हिंदू महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी सहित सभी प्रकोष्ठों को किया गया भंग। और पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों से हुई मारपीट के विरोध में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पट्टी बांधकर किया सांकेतिक प्रदर्शन, डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग।